मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जो कि बहुत ही बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, नई नई चीजों को देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और बोर्ड में यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कैरी किए जाते हैं, है ना, मोर देन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, है ना। तो ये एक्सरसाइज बोर्ड के भी व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि जहां पे कुछ कैलकुलेट वगैरह थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन मिलता है मजा आता है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो मजा नहीं आता है, फिर भी स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड को बूस्ट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को वॉच करेंगे लास्ट तक, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी तो प्रचार आप लोग जानते ही हैं, है ना, यूट्यूब पे कि सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ये सब तो आम बात है, पुरानी चीजें हो गई हैं, ठीक है। जो जागेगा उसी का सवेरा होगा, नहीं तो जब जागोगे तभी सवेरा, चीजें छूट जाएंगी, छूट गई तो छूट गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक्टिव रहिए अपने टॉपिक के लिए, अपने अपने वर्क के लिए, जॉब के लिए, कि आपको क्या करना है। मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूं, ओके। तो सीधे आपके एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया है, ठीक है, इसमें कुछ फिलर है, कुछ फिलर फिल करना है, ठीक है, ये फिलर के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ फिल करना है, कुछ यहाँ से मिसिंग है, वो चीज आपको ढूंढना है, कहां से ढूंढना है मैं बताऊंगा। कर अ ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द टर्म, ए इज द टर्म, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, ए जिसमें ए क्या है, ए कॉलम किसको शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, डी किसको शो कर रहा है, डी कॉलम, कॉलम डी किसको शो कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को, एंड ए एन टर्म्स जो है वो एनएथ टर्म्स को, किसको, एनएथ टर्म्स को, एन मीन्स एनएथ टर्म्स को, ए एनएच टर्म को हम लोग टीएन से भी डिनोट करते हैं, आपको मालूम होगा पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया, ठीक है, टीएन एंड एनएच टर्म को हम लोग टीएन भी बोल सकते हैं या फिर एएन भी बोल सकते हैं। तो ये एनएच टर्म्स के कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के जो भी मिसिंग प्लेस है, जो भी खाली स्थान है, उस स्थान को भरेंगे, कैसे भरेंगे, तो कुछ फार्मूले यूज होंगे, वो बेसिक फार्मूले मैं आपको बता दिया था इंट्रो वाले पार्ट में ही, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि इसमें हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला है जिससे हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, जनरल टर्म, ठीक है, उसका फार्मूला होता है जनरल टर्म का फार्मूला होता है ए एन, या इसी को टी एन भी बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला अब से स्टार्ट हो जाएगा, इसके पहले नहीं, मैंने भले से इंट्रो में दे दिया था बट अब से ये स्टार्ट होगा। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। एनएथ टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए एन इज इक्वल टू या फिर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लर्न कर लेंगे, टी एन इज इक्वल टू या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को शो करता है, ए किसको शो करता है भाई, फर्स्ट टर्म को शो करता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को शो करता है, ठीक है। एन मीन्स जो आपको फाइंड आउट करना होगा, है ना, 20 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 20 प्लेस पे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग 20 के प्लेस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डी जो है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है तो एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, कौन सा नंबर ऑफ टर्म, 20वां लाना है, ठीक है, जो लाना होगा वो चीज यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, राइट ना, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, बिना जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज तो हटा देते हैं, टेबल को रहने देते हैं, ओके, चलो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, तो जल्दी से तो मुस्कुरा के एकदम बढ़िया से देखिए। पहले वैल्यू में अगर हम देखें तो हमें ए का वैल्यू पता है, ये पहला क्वेश्चन, ये वाला, ए का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू भी मालूम है, एन का वैल्यू भी, वैल्यू आपको फाइंड आउट है, एट है और ए एन लाना है। तो सीधे सीधे हम लोग चलेंगे फर्स्ट ए एन, ठीक है, सब चीज यहां दिया है, ए एन इज इक्वल टू, सिंस ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ओके। चलिए सबका लेने पुट अप करो, ए एन मतलब अब देखिए यहां पे जो ए एन है ना, यानी ये ए एन हम लोग किसका ला रहे हैं, ए एन किसका ला रहे हैं, तो एन किस एन का वैल्यू क्या दिया है, एट दिया है। क्या दिया है इस क्वेश्चन के लिए, एन का वैल्यू एट हमारे पास, तो एन के प्लेस पे हम लोग एट, जहां जहां एन होगा वहां एट पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, एट, तो हो जाएगा ए एट, ए एन बोले तो ए एट इज इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया सेवन प्लस एन मीन्स एट, एन मीन्स एट, एन मीन्स एट, एन का वैल्यू क्या है एट, एट माइनस वन एंड डी, डी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, तो सेवन है ओके। चलो अब ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये तो लाना है। जैसे मैं बोला कि टेंथ रोल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, तो टेंथ प्लेस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट, टेंथ प्लेस पे टेंथ रोल नंबर जिसका होता है उसको हम लोग बुलाते हैं, कि टेंथ को ही बुला लेते हैं, टेंथ को नहीं, टेंथ तो प्लेस है ना, ये चीज कैलकुलेट नहीं होगा, यही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर ना। तो एट, अब इसको देखने से ये लगेगा कि हम लोग जो ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू किसका है, ए एट का है, राइट। तो चलिए क्या हो जाएगा सेवन, और ये मल्टीप्लाई सेवन, एट में से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या मिलेगा सेवन, सेवन से मिल जा 49 हो गया ना, और एड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 56, ये आपका वैल्यू आ गया। इट मीन्स यहां पे हम लोग क्या फिल कर लेंगे, 56 फिल कर लेंगे, ठीक है ना, ये 56 आपका आ गया, ए एट का वैल्यू क्या आ गया 56, क्लियर। नहीं समझे, फिर से समझो, इट मीन्स ये शो कर रहा है 56, ये शो कर रहा है कि आपके पास कोई एपी है, कोई एपी होगा जिसका पहला टर्म 7 होगा, ऐसे सेकेंड टर्म होगा, ऐसे थर्ड टर्म होगा, ऐसे सेवन, ऐसे ऐसे करते करते जो एट प्लेस पे, आठवीं प्लेस पे जो वैल्यू होगा वो 56 होगा, किसके प्लेस पे, एट प्लेस पे, ठीक है, एट जो टर्म होगा वो 56 होगा। आप समझ में आ गया, ओके बिल्कुल। चलिए इसके बाद हम लोग अब इसमें आते हैं क्वेश्चन में, जो जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, जो वैल्यू नहीं रहेगा उसको ट्रांसपोज करके अपना वैल्यू ला देंगे। चलिए यहां पर आइए, सेकेंड वाला फॉर्मूला वही जाएगा, ए का वैल्यू आपके पास ए एन, ए एन का वैल्यू को जीरो दिया है, ए एन के प्लेस पे जीरो कर दिया हम लोग, ठीक है, ए का वैल्यू माइनस एटीन प्लस एन का वैल्यू आपके पास 10 है, 10 को तब किया गया माइनस वन और इंटू डी आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए डी के प्लेस पे डी रहने देते हैं, ठीक है ना, जो चीज नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये 18 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, 18 को ट्रांसपोज कर दो, 18 को ट्रांसपोज कर दो, तो ये 18 माइनस 18 इस साइड आकर के प्लस 18 हो जाएगा, और जीरो में 18 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा ना, क्या आएगा, जीरो में 18 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, राइट। इस साइड क्या बचा, इस साइड आपके पास बचा केवल ये इतना, 10 में से 1 माइनस कर लेंगे 9 मिलेगा, और 9 का जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9d आ जाएगा। इट मीन्स ये ऐसे इसको ट्रांसपोज कर, ऐसे कर लेंगे है ना, ऐसे समझ लो, तो 18 अपॉन, ठीक है, इस 9 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 9 हो गया, 9 2 18, डी इज इक्वल टू 2 आ गया, डी इज इक्वल टू क्या गया 2, ट्रांसपोज करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, डी का वैल्यू 2 आ गया, यहां पे 2 फिल कर लेंगे, ठीक है, यहां पे 2 हमने फिल कर लिया, क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, बहुत अच्छा, आप लोग समझदार हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तो देखिए ए एन का वैल्यू क्या है, माइनस फाइव कर लिए, इज इक्वल टू, बार बार ये अपना कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, हर टाइम ये फार्मूला आपके लिए यूज होगा, ठीक है, हर बार, तो आप लोग हर बार इसको राइट करेंगे फार्मूला। माइनस फाइव हो गया, ए का वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है, ए मीन्स ए लाना है, एन का वैल्यू क्या है 18, ठीक है, 18 हो गया, माइनस वन हुआ इंटू डी, डी का वैल्यू क्या चीज है आपके पास, माइनस थ्री हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन एक्सपेंड कर लेते हैं, ए को ए के प्लेस पे, अब देखिए ये जो 3 है ना, इस ब्रैकेट को हटा लेंगे तो 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 17 बचेगा, और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, -3 के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -51 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -51।
इट मीन्स हम इस पूरे को साल करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, सबको समझ में आ रहा है। 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 17 बचा, 17 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो क्या जाएगा -51। ओके समझदार है आप लोग, ठीक है ओके। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 51 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 51 इस साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, आई चेंज हो जाएगा तो प्लस 51 हो जाएगा और ये -5 पहले से है, इस साइड -5 पहले से है और इसको इस साइड भेज दिए, मतलब यार ऐसे समझो आप लोग भी गजब के हो, इसको इधर भेजेंगे तो -5 पहले से और प्लस 51 हो जाएगा ना ऐसे, तो इसको हम अगर ऐसे चेंज करके दे चेंज नहीं ऐसे पलट के कर देंगे तो उसको ट्रांसपोज नहीं करते हैं, मतलब इसको ऐसे ऐसे मूव कर देंगे कि चाक से दूसरा थोड़ी हो जाएगा, पेन थोड़ी हो जाएगा, चाक ही रहेगा ना, तो वैल्यू नहीं चेंज होता, मतलब ऐसे a इज इक्वल टू हो गया 51 में से 5 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस 46, ठीक है ये वैल्यू आ गया 46, तो आप यहां पर 46 राइट कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो इसको भी लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से ओके। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 4 के पास आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका क्या चीज, a का वैल्यू, d का वैल्यू, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a के प्लेस पे उसके प्लेस पे हो जाएगा 3.6, an के प्लेस पे 3.6 हो गया इज इक्वल टू a के प्लेस पे -18.9 हो गया ओके। अगेन हो जाएगा ये देखिए ये जो वैल्यू दिया है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है n -1 और ये d का वैल्यू क्या है दोस्तों 2.5 ओके। चलिए तो वही काम फिर से कि इसको पहले ट्रांसपोज कर दीजिए, एक चीज दूसरी चीज फिर से मैं बता दूं, पहले जब कोई चीज ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते समय ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई वाले पोर्शन या डिवाइड वाले पोर्शन को नहीं ट्रांसपोज करते हैं, देखो इसमें हम इसको नहीं ट्रांसपोज कर सकते हैं या एन माइनस वन को नहीं भेज सकते हैं, जब भी भेजेंगे तो इसको भेजेंगे पहले इसको, जिस पार्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उस पार्ट को हम लोग कभी भी ट्रांसपोज नहीं करते हैं, अकेला जो प्लस या माइनस वाला अकेला पार्ट होता है उसको भेजते हैं, जो जो क्या हो अकेला हो ठीक, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो, इसमें कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है नहीं, तो इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा 3.6 और ये प्लस हो जाएगा 18.9 और इस साइड बच जाएगा क्या मल्टीप्लाई कर लो 2.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब देखो एन में से वन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको हर हाल में मल्टीप्लाई करना होगा, किसका मल्टीप्लाई इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई n में करना होगा और 1 में करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5n और -2.5, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और इसको ऐड करेंगे तो 9 6 मिला के 15 को 5 कैरी 1 और 8 3 11 1 12 और ये हो जाएगा 1 1 2, ठीक है 22.5 हो जाएगा 22.5, 18.9 में 3.6 ऐड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2.5n अपने प्लेस पे है -2.5, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ठीक है, अब देखिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे, अब इसको नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहां पे फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को नहीं पहले अकेला वाले को, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n इज इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज 25 हो जाएगा 22.5 22.5 में 2.5 टू एंड हाफ ऐड करेंगे तो 25 होगा 25 होगा 22.5 में 2.5 को ऐड करेंगे तो 25 होगा और n इज इक्वल टू अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 225 क्या हो जाएगा अपॉन 2.5 हो गया, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए मतलब हो जाएगा 250/25, अब देखिए इससे इसको मार दिए हम लोग मर गया और मरने के बाद आ जाएगा क्या चीज मरने के बाद आ जाएगा n का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा n का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 10 डिवाइड करते हैं यहां से, इट मींस जो यहां पे n प्लेस का वैल्यू है टोटल टर्म कुल कितना है इसका मतलब 10 है 10, ठीक है कोई दिक्कत, तो n मीन्स हो गया ये चीज ये डाटा तभी
फॉलो होंगे, सेटिस्फाई होंगे जब एन इज इक्वल टू 10 होगा, तो उस वक्त ए एन का वैल्यू 3.6 होगा। कोई अगर एपी है, इसको ऐसे समझो कि कोई अगर एपी है उसका फर्स्ट टर्म -18.9 है, कॉमन डिफरेंस उसका 2.5 है, तो अगर हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते दसवें नंबर पे जाएंगे तो दसवें नंबर पे आपको 3.6 मिलेगा। पहले प्लेस पे मिलेगा -18.9, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे करते 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 जब हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स टू 10, दसवें प्लेस पे जाएंगे, एन इज इक्वल टू 10 प्लेस पे जाएंगे, तो वहां पे हमें 3.6 मिलेगा। अब समझ में आ गया? बिल्कुल, आप लोग समझदार हैं बहुत ज्यादा, बस हमें थोड़ा सा बताना है, ठीक है? ओके, पांचवें आइए। तो पांचवें में फार्मूला आपके पास है, फार्मूला वही दिग्ध, ठीक है, रामबाण, रामबाण दवा है एकदम, बिल्कुल वही फार्मूला, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है? पेनाशिया, पेनाशिया, ठीक है, ये सिर्फ पेनाशिया कहते हैं, 3.50 और ये 105 है, 105 ही है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से 105 ही है, मैं देख लो एक बार, जी हाँ बिल्कुल 105 है। चलो स्टार्ट करते फिर से, ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला सेम क्वेश्चन ये है, 3.5 लाना हमको, ए का वैल्यू दिया 3.5, ए एन का वैल्यू लाना है, और प्लस 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 एन का वैल्यू 105 दिया गया है, जी दोस्तों 105 दिया, -1 दिया है, और डी का वैल्यू 0 दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये 0 क्या हुआ, सबको 0 बना के हीरो बना दिया, ठीक है, ये हीरो है, इसने सबको बना दिया 0, ठीक। अब बचा आपके पास क्या चीज, बचा कॉमन डिफरेंस, जब 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, मीन्स ए एन इज इक्वल टू आपके पास 3.5 आपका आंसर आ गया, यहां पे भी क्या रहेगा 3.5 रहेगा, ठीक है, और ये आपका 10 पिछला वाला 10 रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी तर्ज पे, इसी के हेल्प से, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी हेल्प से हम लोग बाकी क्वेश्चंस जो आएंगे उसको भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो है ना हिसाब जी, इनको आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है, भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो चीज नहीं आ रहा आप हमें कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करेंगे आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लास्ट तक वीडियो वॉच करिए, हैव अ नाइस डे, फिर से बाय।